नमस्कार, मैं हूं सोनिया जायसवाल। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़ भक्तों के खबर का। पोर्नोग्राफी केस में शर्लिन चोपड़ा से मुंबई क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार 6 अगस्त को 8 घंटे पूछताछ की। एक्ट्रेस से राज कुंद्रा के साथ उनके संबंधों के बारे में भी पूछा गया। शर्लिन शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंची थी और रात 8 बजे ऑफिस से बाहर निकली। शर्लिन का पॉर्न केस में गिरफ्तार और जेल में बंद राज कुंद्रा की फर्म आइम्स प्राइम मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। वे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लेकर क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंची थी। बाहर निकलने के बाद एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए शर्लिन चोपड़ा ने ये कहा है कि मुझे नहीं पता कि मैं अपना बयान कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से खत्म। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसे स्कैंडल में फंसूंगी और मुझे क्राइम ब्रांच के सामने बयान देना पड़ेगा। जब मैं रात से मिली थी तो मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मुझे बड़ा ब्रेक मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शिल्पा शेट्टी का पति मुझे गलत चीजें करवाएगा। शर्लिन चोपड़ा ने आगे ये कहते हुए ये भी कहा है कि उनकी यानी राज कुंद्रा की कंपनी आइम्स प्राइम के साथ अग्रीमेंट साइन करने के बाद मैं उनके लिए वीडियो करती गई और धीरे धीरे ग्लैमर से बोल्ड, बोल्ड से सेमी न्यूड और सेमी न्यूड से न्यूड। मुझे हमेशा कहा जाता था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब यही करते हैं और मैं भी वही कर रही हूँ। तो जब सब एक ही चीजें कर रहे हैं तो मैं भी वही चीजें कर रही हूँ, तो मुझे विश्वास दिलाया गया कि उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे आश्वासन दिया जाता रहा कि मेरे वीडियो, मेरे फोटो शिल्पा शेट्टी बहुत पसंद कर रही है। इसकी वजह से मुझे ऐसे वीडियो में काम करने का और मोटिवेशन मिलता गया। जब आप शिल्पा शेट्टी जैसे लोगों से मोटिवेट होते हैं तब आप सही और गलत नहीं सोचते। जब मैंने देखा कि ऐसे वीडियो करने से मेरी तारीफ हो रही है तो मैंने सोचा चलो और करते हैं, और फिर यही पूरी चीज मेरे साथ हुई। शिल्पा की मेरी तारीफ करने से काफी खुशी मिलती थी। हालांकि शिल्पा शेट्टी ने इन आरोपों को झुठलाते हुए कहा कि उन्हें शर्लिन के कंटेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस पर शर्लिन चोपड़ा ने कहा, शिल्पा बिजी रहने वाली लोगों में से एक है, शायद वह भूल गई। मुझसे कहा गया था कि मैं कंप्लेन वापस ले लूं, एक हंसते खेलते परिवार को ना उजाड़ूं, और अगर कंप्लेन वापस नहीं लूंगी तो पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। राज कुंद्रा को 19 जुलाई को मुंबई पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया। इसके बाद से वे जेल में है। पुलिस ने कुंद्रा की मौजूदगी में शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज के साथ।